हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आपका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और आपका जो कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है वो अनेबल हो चुका है और आप जब भी कोई पिक उस पर पोस्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी जो पिक है वो कट जाती है, पूरी नहीं आती क्योंकि कम्युनिटी टैब में स्क्वायर पिक ही लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में पूरी पिक्चर को कैसे सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें हमें सबसे पहले आपके प्ले स्टोर दिख रहा होगा, इसके अंदर जाना है हमें। प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर डालनी है जिसका नाम है पिक्सल लैब। यहाँ पे टाइप करेंगे पिक्सल लैब, ये आ गई पहली पे ही। इसे आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने कर रखी है तो मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको ओपन आप करेंगे तो ये ओपन हो गई इस तरीके से। उसके बाद आप ये न्यू टेक्स्ट जो है ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज साइज सिलेक्ट करना है, कस्टम पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लेना है इसको और यहाँ से ओके कर देना है आपको। उसके बाद आपको ये जो नीचे यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है इसके वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये जो कलर है इस पे क्लिक करना है। हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है तो यहाँ से आपको ये कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जैसे मैं इसे ब्लैक रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसे डन कर देना है। ये ब्लैक हो गया सारा बैकग्राउंड, वापस यहीं पर आ गए। उसके बाद आपको जो इमेज वहाँ पर डालनी है वो यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्रॉम गैलरी इसमें जाता हूँ और उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद इस फोटो को पकड़ के यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे और इसको बड़ा कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और बड़ी कर लो, इसको यहाँ पे ले जाएंगे और बड़ी कर लेंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे सेंटर में, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट जो ए दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, ये इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से हमें जो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे क्लिक द अबव लिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आइकन डाल देंगे इसमें अबव वाला ये, ठीक है, एक और डाल दो चाहे। उसके बाद ओके कर देंगे और इसके साइज को यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, पूरे में आ जाए जिससे ये और थोड़ा क्लियर दिखाई दे। जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद ऐसे कर देंगे क्लिक द अबव लिंक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर में बनी है फोटो, तो ये पूरी की पूरी वहाँ पे आएगी। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा अभी। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव का, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे सेव एज इमेज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना आपको इसमें, ठीक है। यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देना है आपको डायरेक्ट, तो इमेज सेव हो चुकी है आपकी, ठीक है, निकाल देना है ऐड को। उसके बाद बाहर आ जाना है। अब मैं आपको चैनल में लगा के दिखाता हूँ इसे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कम्युनिटी टैब अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें यहाँ इस पिक्चर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करनी है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी बनाई थी। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी पिक्चर आ रही है, इसमें कोई भी क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पूरी की पूरी सेट होके आ रही है। और यहाँ पे आपको लिखना है
जैसे कोई भी आप वीडियो डालते हैं, उस वीडियो का नाम जैसे न्यू वीडियो, और उसका आगे आपको लिंक दे देना है, जैसे मैंने नीचे इस वीडियो में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस लिंक को मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको इसे पोस्ट कर देना है, तो आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा, ये हो चुका है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लिक द अबव लिंक आ गया, आपका लिंक भी आ गया। आप कोई भी यहाँ पे आएगा इस पे, जिसको वीडियो देखनी होगी वो इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर सकता है। तो इस तरीके से आप कम्युनिटी टैब में किसी भी पिक को पूरी तरीके से लगा सकते हैं, आपको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फुल फोटो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने ये सीख लिया होगा कि आप अपने कम्युनिटी टैब में फुल पिक को कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।